नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने तिहाड़ प्रशासन के सामने सरेंडर कर दिया है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत अवधि 1 जून को समाप्त हो गई थी। हालांकि सरेंडर से बचने के लिए उन्होंने कोर्ट में याचिका भी डाली थी, जिस पर सुनवाई 5 जून को होने वाली है, लेकिन तब तक अरविंद केजरीवाल जेल में रहेंगे। इससे पहले कोर्ट में सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील ने कोशिश की थी कि कोर्ट कम से कम 2 जून को आदेश सुना दे ताकि संभव हो सके वो सरेंडर से बच सकें, लेकिन कोर्ट ने इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि हम 5 जून को ही आदेश सुनाएंगे। आपने याचिका में वजन घटने का कारण बताते हुए सरेंडर से बचने की कोशिश की थी। अतीसी ने कहा था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राउज एवेन्यू अदालत में 7 दिन की अंतरिम जमानत के लिए अर्जी दाखिल की है। उन्होंने स्वास्थ्य जांच के लिए जमानत की अवधि बढ़ाने की मांग की है, क्योंकि ईडी की हिरासत के दौरान उनका वजन 6 से 7 किलो कम हो गया। अचानक और बिना किसी कारण के वजन कम होना कई गंभीर बीमारियों का संकेत है। इतना ही नहीं, उनका कीटोन भी गंभीर स्तर पर पहुंच गया है। उनका शर्करा स्तर लगातार दोस्तों बढ़ता हुआ जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच तिहाड़ प्रशासन ने अपनी रिपोर्ट जारी की। उसमें कहा कि अरविंद केजरीवाल का 6 से 7 किलो वजन बिल्कुल भी नहीं घटा है। तिहाड़ जेल के मेडिकल ऑफिसर ने 1 अप्रैल से 9 मई तक अरविंद केजरीवाल के वजन की रिपोर्ट जारी की थी। इसमें बताया गया था कि अरविंद केजरीवाल का वजन 1 अप्रैल को 65 किलो था, जबकि 29 अप्रैल को बढ़कर 66 किलो हो गया है। इसके बाद 9 मई को जब उसके वजन को मापा गया तो 64 किलो था। इसका मतलब है कि उनका वजन 6 से 7 किलो घटने के दावे पूरी तरीके से गलत हैं। तब तक की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, अरविंद केजरीवाल ने अब दोस्तों सरेंडर कर दिया है। बता दें कि कोर्ट में सरेंडर से बचने के लिए उन्होंने जो याचिका लगाई है उस पर भी 5 जून को सुनवाई होगी, लेकिन तब तक मुख्यमंत्री तिहाड़ जेल के अंदर रहेंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है राजधानी दिल्ली से, मुख्यमंत्री ने सरेंडर कर दिया है। आपको पूरी जानकारी आगे मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, आप अपनी राय कमेंट में